12वीं शताब्दी ईस्वी, आज के उत्तर पूर्व भारत और बांग्लादेश के हिस्सों पर कई छोटे राज्यों का शासन था और इनके पूर्व में आज के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और असम के पूर्वी हिस्से पर मोंगमाओ राज्य का शासन था जो आज चीन के यूनान प्रांत में है। मोंगमाओ राज्य के लोग ताई जनजाति के थे। ये ताई लोग जो भाषा बोलते थे उससे आज थाईलैंड की थाई भाषा, लाओ की लाओ भाषा, म्यांमार की शान भाषा और दक्षिण चीन की जुआंग भाषा की उत्पत्ति हुई। 1215 ईस्वी में मोंगमाओ राज्य के शाही परिवार के एक राजकुमार सुखपा, उसने अपना राज्य छोड़ दिया और वो अपना खुद का साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। उसके पीछे उसकी पत्नियां, उसके बच्चे और कई सैनिक और नागरिक भी थे जो उसके प्रति वफादार थे। कई कस्बों और जंगलों से यात्रा करने के बाद सुखपा दिसंबर 1228 ईस्वी में नामरूप पहुंचे, जो आज के असम में है। इस क्षेत्र पर पहले महान कामरूप साम्राज्य का शासन था, लेकिन 1140 ईस्वी में इस साम्राज्य के अंत के बाद इस क्षेत्र पर कभी भी किसी अन्य राज्य ने कब्जा नहीं किया। इसलिए सुखपा ने इस क्षेत्र में अपना शासन स्थापित करने का निर्णय लिया और 1228 ईस्वी को अहोम साम्राज्य की शुरुआत का साल माना जाता है। सुखपा और उनके अनुयायी जल्दी से उस क्षेत्र के स्थानीय जनजातियों के साथ घुल मिल गए। सुखपा ने उनकी भाषाओं को सीखा और उनके धर्म और परंपराओं का सम्मान किया। सुखपा कई वर्षों से अपनी राजधानी स्थापित करने के लिए एक उपयुक्त स्थान की तलाश कर रहे थे और अंत में 1253 ईस्वी में उसने अपनी राजधानी चराइदियो को बनाया, जो आज असम के सिपसागर के पास है। चराइदियो अहोम साम्राज्य की पहली राजधानी बनी। सुखपा की मृत्यु 1268 ईस्वी में हुई और उनकी मृत्यु के समय तक अहोम साम्राज्य का क्षेत्रफल पश्चिम में ब्रह्मपुत्र नदी, उत्तर में दिसांग नदी, दक्षिण में दिखाओ नदी और पूर्व में नागा पहाड़ियों तक पहुंच गया था। आज असम राज्य में हर साल 2 दिसंबर को सुखपा दिवस मनाया जाता है, जिसे असम दिवस भी कहा जाता है। सुखपा की मृत्यु के बाद अहोम राज्य ने लगभग 200 वर्षों तक अपने क्षेत्र को नहीं बढ़ाया। इन वर्षों में अहोम राजा अपने राज्य के विकास और अपने नागरिकों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, लेकिन अहोम राज्य का विस्तार नहीं हुआ था। लेकिन इसी समय उनको साड़िया राज्य और मोंगमाओ राज्य के आक्रमणों का भी सामना करना पड़ा। 14वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान अहोम शाही परिवार आंतरिक संकट में था, क्योंकि सिंहासन के लिए कोई सही उत्तराधिकारी नहीं था और अहोम साम्राज्य कई वर्षों तक बिना राजा के रहा। 1497 ईस्वी में सुहुंगमुंग अहोम साम्राज्य का राजा बना और उनके शासन से अहोम साम्राज्य का विस्तार फिर से शुरू हुआ। उन्होंने अहोम सेना को मजबूत करने का काम किया। 1512 ईस्वी में उसने बारो भुयान के क्षेत्रों पर हमला किया और पकड़े गए सैनिक अहोम सेना में शामिल हो गए। फिर अहोम सेना ने 1523 ईस्वी में साड़िया राज्य को हराया और साड़िया राज्य के पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। साड़िया राज्य के उच्च अधिकारियों, कमांडरों और सैनिकों को अहोम प्रशासन और सेना में शामिल कर लिया गया। 1536 ईस्वी में अहोम सेना ने कचारी राज्य को भी हराया और अहोम शासन नगाओ तक फैल गया। सुहुंगमुंग के शासन के दौरान अहोम सेना बंगाल सल्तनत के हमलों को रोकने में भी सक्षम थी। 1539 ईस्वी में सुहुंगमुंग की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के समय तक अहोम साम्राज्य का क्षेत्र 2 गुना हो चुका था। 1576 ईस्वी में मुगल साम्राज्य ने बंगाल सल्तनत को हराकर पूरे बंगाल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था और यह बंगाल क्षेत्र मुगल साम्राज्य का बंगाल सूबा बन गया। मुगलों ने फिर अपना ध्यान पूर्व की ओर लगाया। उन्होंने पहले तो कोच हाजो राज्य पर कब्जा किया, फिर उनकी सीमाएं अहोम साम्राज्य से टकराने लगी और अहोम मुगल युद्ध की शुरुआत हुई। पहली बड़ी लड़ाई 1616 ईस्वी में समधारा की लड़ाई थी। इस लड़ाई में अहोम सेना की जीत हुई, लेकिन यह अहोम और मुगलों के बीच एक लंबे युद्ध की शुरुआत थी। बाद के आने वाले वर्षों में छोटी लड़ाइयां अहोम और मुगल सीमाओं में होती रहती थी। दिसंबर 1636 ईस्वी में एक बड़ी लड़ाई शुरू हो गई थी और 1638 ईस्वी के अंत तक अहोम सेना की भारी हार हुई।
फरवरी 1639 ईस्वी में एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए गए। अहोम साम्राज्य का पश्चिमी भाग और गुवाहाटी के महत्वपूर्ण शहर सहित मुगलों को सौंप दिया गया। लेकिन यह शांति केवल 10 वर्षों तक जारी रही। 1648 ईस्वी में अहोम राजा जयध्वज सिंघा ने गुवाहाटी में मुगल सेना पर आक्रमण किया। अहोम सेना गुवाहाटी वापस कब्जा करने में सफल रही और मुगलों को असम से खदेड़ दिया और कई मुगल सैनिकों को बंदी बना लिया गया। 1650 ईस्वी में औरंगजेब मुगल बादशाह बना और 1661 ईस्वी में उसने अहोम साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए मीर जुमला और दिलेर खान के नेतृत्व में एक मुगल सेना भेजी। और इसी दौरान अहोम साम्राज्य आंतरिक तनाव का सामना कर रहा था और उनकी सेना भी बहुत कमजोर थी, और इस वजह से अगले ही साल 1662 ईस्वी में मुगल सेना ने अहोम सेना को बहुत आसानी से हरा दिया था और गुवाहाटी पर फिर से मुगलों का कब्जा हो गया। मुगल यही नहीं रुके बल्कि अहोम सेना का पीछा किया। अहोम सेना ने एक छोटी सी लड़ाई के बाद सिमलागुड़ में आत्मसमर्पण कर दिया और समधारा को बिना लड़ाई किए ही आत्मसमर्पण कर दिया। मार्च 1662 में मुगल सेना ने अहोम राजधानी गढ़गांव में प्रवेश किया। अहोम राजा जयध्वज सिंघा ने राजधानी छोड़ दी और पहाड़ियों की ओर चले गए। मुगलों ने अहोम साम्राज्य की अपार संपत्ति लूट ली। कई हाथी, घोड़े, 300,000 सोने और चांदी के सिक्के, 700 बंदूकें और भी बहुत कुछ। लेकिन अहोम सेना ने जंगलों से छापामार युद्ध जारी रखा और जनवरी 1663 ईस्वी में शांति संधि पर हस्ताक्षर किए गए। उसी साल जयध्वज सिंघा की मृत्यु हो गई। उनके पुत्र चक्रध्वज सिंघा अहोम साम्राज्य के नए राजा बने और वह किसी भी कीमत पर मुगलों से अहोम भूमि वापस लेना चाहते थे। अहोम सेना के पास एक फायदा था जो मुगलों के पास नहीं था, और वो था अहोम सेना को नदियों में लड़ने का बहुत बेहतर ज्ञान था और वे वहां के बारिश के बारे में भी जानते थे। 20 अगस्त 1667 ईस्वी को अहोम सेना ब्रह्मपुत्र नदी के माध्यम से चुपचाप रवाना हुए। अहोम सेना को दो टुकड़ियों में विभाजित किया गया। एक टुकड़ी कालियाबोर पहुंची और यहां से अहोम सेना ने गुवाहाटी में मुगलों पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में मुगलों की हार हुई और गुवाहाटी को फिर से अहोम सेना ने वापस ले लिया। दूसरी अहोम सेना की टुकड़ी ईटाकुली में मुगलों पर हमला किया और नवंबर 1667 ईस्वी में उस पर भी कब्जा कर लिया गया। दिसंबर 1667 में हार की खबर औरंगजेब तक पहुंची और फिर उसने आमेर के राजा राजा राम सिंह के अधीन एक बहुत बड़ी मुगल सेना भेजी, और यहीं से लसित बोरफुकान की कहानी शुरू होती है। लसित बोरफुकान को भारत के इतिहास के सबसे महान सैन्य कमांडरों में से एक माना जाता है। लसित का जन्म 24 नवंबर 1622 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता मोमई तामुली बारबुआ अहोम सेना के एक सेनापति थे। अपनी युवा समय के दौरान लसित ने अहोम प्रशासन में कई महत्वपूर्ण पदों का कार्य किया और 1665 ईस्वी में राजा चक्रध्वज सिंघा ने लसित को बोरफुकान बनाया। बोरफुकान कोई नाम नहीं है, यह अहोम सेना के सेनापति का उपाधि थी। फरवरी 1669 ईस्वी में जब मुगल सेना ने असम में प्रवेश किया, तब अहोम सेना इतनी बड़ी सेना के लिए तैयार नहीं थी और अहोम सेना पीछे हट गई। लसित खुले मैदान में मुगलों से युद्ध नहीं करना चाहते थे क्योंकि मुगलों के पास बेहतर घुड़सवार सेना थी और बड़ी तोपें थी। लसित ने मुगलों से सीधी लड़ाई टालते हुए इसी बीच उन्होंने अहोम सेना को मजबूत किया। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद अहोम सेना को खुले मैदान में मुगलों का सामना करना ही पड़ा। 5 अगस्त 1669 को आलाबोई की लड़ाई में अहोम सेना की भारी हार हुई। लगभग 10,000 अहोम सैनिक मारे गए। हार सहन ना कर पाने के कारण 1670 ईस्वी में राजा चक्रध्वज सिंघा की मृत्यु हो गई और फिर उनके भाई उदादित्य सिंघा राजा बने। मुगलों ने अभी तक गुवाहाटी पर कब्जा नहीं किया था और वे इस पर कब्जा करना चाहते थे, इसलिए मुगलों ने अपनी विशाल नौसेना को ब्रह्मपुत्र में ले आए। मुगल सेना में कोच बिहार राज्य के सैनिक भी थे क्योंकि कोच बिहार राज्य मुगल साम्राज्य के अधीन एक जागीरदार राज्य था। लसित ने यह फैसला किया कि अब यह सही वक्त था कि मुगलों को हराकर हमेशा के लिए असम से खदेड़ देने का। अहोम साम्राज्य को जयंतिया और कचारी राज्य का समर्थन प्राप्त था।
मुगल नौसेना के पास बड़े तोपों से लैस 40 बड़े जहाज थे। मार्च 1671 ईस्वी में सरायघाट की लड़ाई मुगल और अहोम के बीच छिड़ गया। यह लड़ाई एक बहुत ही अनोखी लड़ाई थी, क्योंकि यह भारत के इतिहास में एकमात्र ऐसी लड़ाई थी जो पूरी तरह से एक नदी पर लड़ी गई थी, विशालकाय ब्रह्मपुत्र नदी। पहले तो अहोम सेना अपने आक्रमण में सफल नहीं रहे और वे पीछे हटने लगे, क्योंकि इस समय लसित बहुत बीमार थे और वे युद्ध में नहीं थे। लेकिन जब उन्होंने अहोम सेना के पीछे हटने के बारे में सुना तो उन्होंने अपनी बीमारी की परवाह नहीं की और उन्होंने अहोम सेना की कमाल संभाली। लसित को देखकर अहोम सैनिक बहुत ही प्रेरित हुए और वे अब मुगलों पर अधिक क्रूरता और आक्रमण तरीके से हमला करने लगे। अहोम सेना के पास छोटी नावें और छोटे जहाज थे, लेकिन वे मुगल जहाजों से बहुत ही ज्यादा तेज थे। छोटे अहोम जहाजों को नदी में आसानी से मोड़ा जा सकता था और मुगलों पर एक साथ कई तोपें दागी गई। मुगल सेनापति मुनव्वर खान मारा गया और इससे मुगल सेना में खलबली मच गई और इसके बाद 3 और मुगल सेनापति मारे गए। मुगल सेना भागने लग गए और अहोम सैनिकों ने लगभग 4000 मुगल सैनिकों को मार डाला। अहोम साम्राज्य के लिए यह एक बहुत बड़ी जीत थी। एक साल बाद अप्रैल 1672 में लसित की मृत्यु हो गई। आज हर साल 24 नवंबर को असम में लसित दिवस मनाया जाता है और हर साल नेशनल डिफेंस एकेडमी या NDA से सर्वश्रेष्ठ पासिंग आउट कैडेट को लसित बोरफुकन स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाता है। सरायघाट की लड़ाई के 11 साल बाद एक आखिरी लड़ाई अगस्त 1682 में ईटाकुली की लड़ाई में मुगलों और अहोमों के बीच लड़ी गई। इस लड़ाई में भी मुगलों की हार हुई और इसके बाद मुगल कभी भी अहोम साम्राज्य पर हमला करने की हिम्मत नहीं की और वे कभी पूर्व की ओर नहीं आए। अगले 90 वर्षों तक अहोम साम्राज्य में शांति और विकास का समय था। रुद्र सिंहा, जिन्होंने 1696 से 1714 ईस्वी तक शासन किया, अहोम साम्राज्य अपने चरम पर थी। बाहरी दुनिया से व्यापार की शुरुआत हुई, कई हिंदू मंदिरों का निर्माण किया गया और कला और शिल्प विकसित हुआ। 1769 ईस्वी में अहोम साम्राज्य में एक बड़ा विद्रोह छिड़ गया। मोमारिया संप्रदाय के लोग अहोम राजाओं के खिलाफ विद्रोह में उठ खड़े हुए। इस विद्रोह को मोमारिया विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह लगभग 35 वर्षों तक चला, जो 1805 ईस्वी में समाप्त हुआ। इस विद्रोह के कारण अहोम साम्राज्य की आधी आबादी की मौत हुई और अर्थव्यवस्था एकदम से बिखर गई। अहोम सेना भी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। अहोम साम्राज्य की इस कमजोरी को देखकर बर्मा साम्राज्य अहोम साम्राज्य पर आक्रमण करना चाहता था। 27 मार्च 1817 को गिलादारी में अहोम सेना और बर्मा सेना के बीच एक भिड़ंत हुई। अहोम सेना की हार हुई और बर्मा की सेना अहोम की राजधानी जोरहाट की ओर बढ़ रही थी। अहोम साम्राज्य के राजा चंद्रकांत सिंहा ने बर्मा की सेना को 1,00,000 रुपए दे दिया और उन्हें कई उपहार भी दिए। इसलिए बर्मा की सेना अप्रैल 1817 में वापस चली गई। इसे देखकर अहोम प्रधानमंत्री रुचिनाथ बहुत ही ज्यादा भड़क गए और उन्होंने चंद्रकांत सिंहा को सिंहासन से हटा दिया और पुरंदर सिंहा को अहोम साम्राज्य का राजा बना दिया। इसको देखकर 2 साल बाद बर्मा साम्राज्य ने फिर से अहोम साम्राज्य पर हमला किया। शुरुआत में तो अहोम सेना विजयी रही, लेकिन चूंकि अहोम सेना में फूट थी, इसलिए बर्मा की सेना ने अहोम सेना को हरा दिया और वे फिर से राजधानी जोरहाट की ओर पहुंच गए। बर्मा की सेना ने चंद्रकांता सिंहा को अहोम सिंहासन पर वापस स्थापित किया, क्योंकि वह बर्मा साम्राज्य के अनुकूल थे। इसके बाद बर्मा की सेना वापस बर्मा चली गई। लेकिन 1821 ईस्वी में नए बर्मा के राजा बागी डॉ वो अहोम साम्राज्य को समाप्त करना चाहते थे और अहोम साम्राज्य के पूरे क्षेत्र को बर्मा साम्राज्य में मिलाना चाहते थे। इसलिए फरवरी 1821 ईस्वी में बर्मा सेना ने असम की ओर कूच किया। अहोम राजा चंद्रकांत सिन्हा ने सिख साम्राज्य के राजा महाराजा रंजीत सिंह से मदद मांगी। महाराजा रंजीत सिंह ने 10,000 सिख सैनिकों को असम भेजा और संयुक्त अहोम सिख सेना ने दिसंबर 1821 ईस्वी में बर्मा सेना को हरा दिया। इसके बाद बर्मा के राजा बागी डॉ ने और भी ज्यादा 20,000 बर्मा सैनिकों को भेजा और इस बार अप्रैल 1822 ईस्वी में अहोम सिख सेना की हार हुई। यह हार एक बहुत बड़ी हार थी
और इस हार के बाद अहोम साम्राज्य का अंत हो गया। अहोम साम्राज्य के पूरे क्षेत्र पर बर्मा साम्राज्य का कब्जा हो गया। बर्मा साम्राज्य ने मणिपुर और कचारी राज्य को भी अपने कब्जे में ले लिया।